पिक्सार स्टूडियोज में हर फ्राइडे को एक एक्सरसाइज होती है जहाँ पे वो लोग एक सिंपल ऑब्जेक्ट लेता है और उसको पेंट करने की कोशिश करता है, ये देखने के लिए कि लाइट का उस ऑब्जेक्ट के कलर और उसकी शेडिंग पे क्या असर होता है। और इन वीडियोस में हम भी वही करने वाला है। सो मेरा नाम है सरशार सैयद, मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हमारे पास एक कैरेट का ड्राइंग है जिसको देख के हम ड्रॉ करेंगे। रीज़न ये कि थोड़ा टेक्स्चर के ऊपर डिस्कशन करना था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी अगर आप देखिए तो ये ड्राइंग है जिसको देख के मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ अगर नोटिस करोगे लाइट के हिसाब से, तो ये है कि जो एजेस है वो थोड़ी ज़्यादा ऑरेंजिश है, बीच में येलो ज़्यादा है, ब्राइट पार्ट ज़्यादा है, और यहाँ पे शेडो को हमने उतना कंसीडर नहीं किया है। फिर हम उसके ऊपर जो डंठल है अगर वो देखें तो वहाँ पे हल्की सी शेडो है, ज़्यादा ब्राइट पार्ट भी है, ग्रीनिश पार्ट भी है। अब अगर हम इसके बेसिक कलर की बात करें तो जो कैरेट होता है इंडिया में अक्सर रेड होता है और ऑरेंज भी आता है, ये पर्टिकुलरली ऑरेंज वाला है। तो ऑरेंज और उसके बीच में येलो भी हो सकता है। तो आप जो येलो देख रहे हो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लाइट की वजह से है, वो इसलिए भी है क्योंकि सब्जेक्ट का कलर अक्सर वैसा होता है। दूसरी चीज़, जो आप वाइट पैचेस देख रहे होगे जो थोड़े से मर्ज हो गए हैं इसके अंदर, वो इसलिए है क्योंकि पेंटर बनाते वक्त ये इमेजिन कर रहा है कि लाइट ऊपर से गिर रही है। और एक चीज़ जो हमको समझनी थी, क्योंकि वो अभी जैसे मैं ब्रश से बना रहा हूँ, सो एक टेक्सचर ऐड हो रहा है इसमें जो उसको एक इफ़ेक्ट दे रहा है कि लाइट अगर इस पर गिरती भी तो यहाँ पे गिरती और यहाँ पे नहीं गिरती, क्योंकि टेक्सचर उसको वैसे फ्लो होने नहीं देता। अब इस चीज़ को थोड़ी और डिटेल में देखने के लिए हम लोग अभी ये कुछ इमेजेस स्टडी करेंगे। सो जो पहली इमेज है जिसके अंदर जो बैकग्राउंड है वो स्काई कलर का है। अगर आप उसके ऊपर की तरफ देखें तो लाइट है और नीचे की तरफ डार्क है, हाथ की तरफ शेडो है, ठीक है। बीच में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दिखेंगे जहाँ पे शेडो और हाईलाइट थोड़ी सी अलग हो रही है। वो इसलिए क्योंकि वो हिस्सा उभरा हुआ है, क्योंकि जो कैरेट होता है उसका टेक्सचर ही वैसा होता है। अब जो हमने पेंटिंग की थी वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था हमारे दिमाग में, इफ़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट एक पेंटिंग का आइडिया था। यहाँ पे जो आप पहली इमेज में देख रहे हो वो नेचुरल लाइट है, सनलाइट है। तो लाइट ऊपर से आ रही है, जहाँ भी वो सब्जेक्ट को इल्यूमिनेट कर सकती है वहाँ पर कर रही है, और जो नीचे का हिस्सा है वो शेडो में चले जा रहा है। और जहाँ पे टेक्सचर उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता था वहाँ पे आपको टेक्सचर नज़र आ रहा है। अब अगर आप सेकंड इमेज पे आएंगे तो ये एक स्टूडियो शॉट है, ठीक है। ये बेसिकली किसी ई-कॉमर्स साइट के लिए लिया जा सकता है या वेबसाइट के लिए लिया हुआ होगा, जहाँ पे ऊपर एक बड़ा सा सॉफ्ट बॉक्स रखे और ये सॉफ्ट बॉक्स काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि वो पूरा सब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम उसमें आप लाइट देख सकते हो हल्की हल्की। और ये हर कैरेट पे जितने भी उस बंच में रखे हुए हैं वहाँ पे आपको दिखेगा। फिर डेफिनेटली जैसे वो बैकग्राउंड में जाता है थोड़ा डार्क हो जाता है क्योंकि लाइट ऊपर से आ रही है। इतनी है कि सरफेस को इल्यूमिनेट कर सके, पर इतनी नहीं है कि एकदम आप हर चीज़ को एकदम ब्राइट देखो, इसके लिए आपको एजेस थोड़े डार्क दिखेंगे, राइट। जब आप थर्ड इसमें आते हो तो ये एक फ़ोटोशॉप्ड इमेज है, तो हो सकता है क्लिक करते वक्त कुछ चीज़ें ब्राइट ना हो जो बाद में की गई। लेकिन बेसिक लेवल पे अगर देखें तो अगर आप सामने से देखते हो तो आपको सभी ब्राइट दिख रहा है, इवन दो जो बबल्स हैं वो भी ब्राइट है। नाउ द क्वेश्चन इज़, ये फ़ोटो ली कैसे गई होगी? दो तरीके, एक तो जैसे ये कैरेट्स प्लेस्ड है वैसे प्लेस कर दो और क्लिक करो, और उसके बाद में वाटर को इंट्रोड्यूस करो, फ़ोटोशॉप में एडिट करो उस हिसाब से, या तो फिर इनको पानी में ऐसे ही रखो और क्लिक करो, बबल्स को बाद में इंट्रोड्यूस करो, या तो फिर एक्चुअली फिश टैंक में डालो, सामने सॉफ्ट बॉक्स रखो, फ़ोटो क्लिक करो और बाद में उसको बस क्लियर करो फ़ोटोशॉप में और थोड़ा साफ़ कर दो। नाउ इसकी प्रैक्टिस क्या होगी? इसकी प्रैक्टिस होगी टेक्सचर्ड किसी भी एलिमेंट को शूट करना अलग अलग लाइट में। इससे ये होगा कि आपको टेक्सचर कैसे लाइट के फ्लो को ख़राब करता है या सही करता है, बोलना आई थिंक थोड़ा ऑफ होगा, लेकिन लाइट टेक्सचर पे कैसे फ्लो करती है ये आपको समझ में आ जाएगा. दैट वुड बी द करेक्ट वे टू से इट. ओके एंड डेफिनेटली इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ लेट मी नो. थैंक यू सो मच.